भाई साहब, ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ अभी लग रहा हूँ मैं जॉनी सिंस। यार रेस्ट का पेन जा ही नहीं रहा है, अभी जाता है या नहीं जाता, कितने रेप्स जाते हैं वो देखो भाई। शोल्डर्स को जवाब देने के पहले रिस्ट जवाब दे गई, क्योंकि बहुत जरूरी है आपके ओपिनियन। हेलो हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब? सो गाइस, सुबह हो चुकी है और मैं आ चुका हूँ काम से भी। देखो मैं इस मॉर्निंग में व्लॉग स्टार्ट नहीं किया था, व्लॉग में आने के बाद स्टार्ट करूँ। अभी टाइम हो रहा है 11 o'clock और अभी एक और सेशन है मेरा इसके बाद, उसके बाद फिर आके मैं करूँगा लंच और उसके बाद जाऊँगा जिम। आज जिम में फिर से स्पेशल दिन है क्योंकि आज है ट्रेनिंग बहुत ही अच्छे मसल की, वो मैं आपको जिम में बताऊंगा कौन सी मसल मैं ट्रेन करने वाला हूँ जिम के अंदर। थोड़ी देर रुको, उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ एंड करते हैं आज का दिन स्टार्ट। ओके सो गाइस, कपड़े डाल दिए और कपड़े डालना बहुत जरूरी था क्योंकि भाई कपड़े इतने ज्यादा होते हैं ना, लेग्स की सॉरनेस ना जा नहीं रही है। कब मारा था? मंडे को मारा था भाई। कितना टाइम हो गया मंडे को? 4 दिन हो गए मंडे को, आज थर्सडे है। तो अभी ये है भाई मसाजर, थोड़ा मसाज करते हैं इससे, देखते हैं थोड़ा बहुत रिलीफ मिलता है या नहीं। भाई साहब, इसको पूरे प्रेशर के साथ तो कर नहीं सकता, कुछ भी करूं मैं। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ये बहुत यूज़फुल मशीन है, लेकिन भाई अभी के लिए बिल्कुल भी यूज़फुल नहीं है क्योंकि मसल में इतनी ज़्यादा सॉरनेस है कि तुम रख ही नहीं सकते इसको। सो भाई एडिटिंग भी हो चुकी है मेरे व्लॉग की, अभी करना है रील को एडिट, वो करूँगा मैं। एक सेशन है उसको दे के आने के बाद करूँगा। और अभी टाइम देख लो कितना हो गया, 11:45 पे एक सेशन है, तो मैं जा रहा हूँ जिम। भाई लंच कर लिया और लंच में वही था जो हमेशा होता है, राइस, राजमा एंड पनीर। और एक हैक मिला है मुझे इसका कि जैसे ही आप लंच करते हो ना और उसके बाद अगर आप बैठते हो या फिर लेट जाते हो तो आपको नींद आने लगती। मेरे साथ भी सेम चीज़ हो रही थी, तो आप बैठो मत, 5-7 मिनट खाने के बाद वॉक करो। सीरियसली बता रहा हूँ, नींद आएगी ही नहीं। और वही मैं कर रहा हूँ, खाने के बाद थोड़ा वॉक कर रहा हूँ घर में, सो जिसकी वजह से नींद नहीं आएगी। तो अच्छा खासा खाया है, क्वांटिटी अच्छी खासी थी, 250 ग्राम पनीर खाया है, राजमा खाया है, राइस खाया है, कार्ब्स भी मिल गया है, एनर्जी चाहिए भाई। अभी थोड़ा और टाइम निकल ले दो, सारी की सारी डाइट के जो मैक्रोज होते हैं, माइक्रोज होते हैं, एक एक चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। इवन सारा डाइट प्लान, वर्कआउट प्लान सब कुछ बताने वाला हूँ, और साथ में जो भी वर्कआउट का फॉर्म, सब एवरीथिंग, मतलब जो भी वर्कआउट के अंडर आता है सब कुछ मैं आपको गाइड करूंगा धीरे धीरे, और ट्रांसफॉर्मेशन आपको भी अच्छा खासा मिले। ओके सो गाइस, देखो जिम जाने का टाइम हो गया है, अभी कपड़े चेंज कर लेते हैं, वाइट पहन लेते हैं। तो वर्कआउट टी शर्ट पहन ली है क्योंकि आज वर्कआउट खतरनाक होने वाला है, सो भाई पंप वंप दिखना चाहिए ना अच्छा सा, है ना। तो पहन लिया है भाई वाइट कलर का टी शर्ट, अभी लग रहा हूँ मैं जॉनी सिंस। अभी डाल लेते हैं शेकर में प्री वर्कआउट प्रोटीन, सब भरते हैं, बैक को कर देते हैं रेडी। प्री वर्कआउट शेकर में डाल दिया गया है देखो, और प्रोटीन भी भर लिया है। तो अभी चाहते हैं जिम और मारते हैं दबा के जिम, चलो। ओके सो गाइस, अभी फर्स्ट वेरिएशन ले रहा हूं मैं, फ्लैट बेंच प्रेस, और ये पहन रहा हूँ अपने राइट रेस्ट में क्योंकि आपको पता है राइट रेस्ट में कितना पेन हो रहा है, और मुझे नहीं पता है कि ये इस पर भी कितना जाएगा। अभी मैंने वार्म अप करके देखा तो स्ट्रेट पुश तो कर रहा हूँ, लेकिन जब ये थोड़ा सा बेंड हो रहा है, टिल्ट हो रहा है, तो मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेन आ रहा है। तो देखते हैं मैं कितना पुश कर पाऊँगा, और लगेगा ज़्यादा हो रहा है तो फिर नहीं होगा, फिर करूँगा मैं मशीन बेस्ड एक्सरसाइज, क्योंकि मशीन से बहुत सारी हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि मेरा वर्कआउट कंप्लीट नहीं हो रहा, वर्कआउट फिर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो पहले इसको लेके देख लेते हैं, अगर कंफर्टेबली जा रहा है तो मारूंगा, और नहीं जाता है तो फिर स्विच करके जाएंगे मशीन बेस्ड एक्सरसाइज पे। तो चलो लेता हूँ इसको मैं। I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid. I need a change in my life cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. Oh, hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket, I'm going on a trip and I... Yeah, rest ka pain jai nahi raha hai.
और इसके लिए मैं फिर अब मशीन पे स्विच हो गया हूँ और ये इंक्लाइन की मशीन है, मशीन बेस्ड वर्कआउट ही मारती है, इधर मशीन्स की कोई कमी है नहीं वैसे। And this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting. And I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things. But what you gonna... बहुत सही जा रहा है यार, एक एक मसल फील हो रहा है, मजा आ रहा है भाई। ओके, सो इंक्लाइन एंड फ्लैट हो चुका है, अभी लेना है डिक्लाइन। डिक्लाइन में भाई इतनी प्यारी मशीन मिली है ना, ड्यूअल स्मिथ आइसोलेटरल मशीन मिली है भाई, इतनी प्यारी, मैं आपको दिखाता हूँ और करके वर्कआउट दिखा रहा हूँ, इतना सही है भाई। मैंने अभी ट्राई करके देखा, आपको भी दिखाता हूँ मैं, आप लोग देखो भाई क्या मशीन है ये, कुछ ऐसी मशीन है। और इसको आगे पीछे भी कर सकते हो एडजस्ट, इसको पकड़ के आगे पीछे एडजस्ट भी कर सकते हो, देखो आप स्लाइड हो रहा है और मेरे लिए एंगल सही है, तो मैंने पहले चीज़ ग्रिप, हाँ ये बेस्ट है, और ये ग्रिप दैन दोनों साइड से पुश करके अनलॉक, अनलॉक दैन देखो आइसोलेटर भी आएगा। ओके पुश, गो फॉर हाई, कम मूव फॉर, व्हाट यू गोना बी, डू यू बिलीव यू कैन डू एनीथिंग, व्हाट यू गोना डू फॉर हाई, कम मूव फॉर, व्हाट यू गोना बी। तो अभी तक चार पुश मूवमेंट हो चुके हैं और अब ये फिफ्थ, और ये फिफ्थ शोल्डर के लिए है, और चेस्ट इतना मान लिया है ना कि शोल्डर में भी फटीग आ गया और उसकी वजह से शोल्डर से भी पुश हो नहीं रहा है। सो बेस्ट देने का ट्राई करते हैं, क्योंकि भाई अभी कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि पुश नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, अभी मशीन चाहिए तो अच्छा खासा पुश करना पड़ेगा। सो चलो मारते हैं इसको, जितना हैवी हो सकता है और जितना अच्छा हो सकता है उतना अच्छा। ये स्टैंडिंग शोल्डर प्रेस है, फिफ्टीन भाई, 100% देने का ट्राई कर रहा हूँ भाई। 5-5 का प्लेट लोड करके रखा है और मशीन का वेट होगा अराउंड 20 kg के। लास्ट सेट मारते मारते इस पर कंफर्टेबल हो गया और लास्ट सेट में डाल दिया मैंने 15 kg दोनों साइड में भाई, अभी जाता है या नहीं जाता, कितने रैप्स जाते हैं वो देखो। भाई शोल्डर्स को जवाब देने के पहले रिस्ट जवाब दे गई। सो ये है शोल्डर का दूसरा वेरिएशन, लेटरल रिस्ट, और ये भी मशीन से ले रहे क्योंकि भाई डंबल लिया और ये लेटरल लेके जाएंगे तो रिस्ट में पेन आ रहा है, जिसकी वजह से मशीन से ले रहे हैं, थोड़ा तो सपोर्ट रहेगा। And I ain't gonna lie to you, I'm a bit nervous that I might screw everything up that I've ever done, but what's the point? Yeah, last version chest ke liye pack that fly. And living if you ain't having fun, I guess I'll try this, try that, might miss, gotta find what I'm good at, I guess I'll look here, look there. Okay, so guys, yeah, last set shoulders ka, iske baad sirf shirts bachega, to wo bhi kar lenge, aur ye real delt ke liye main reverse pack that fly le raha hu. तो चलो मारते हैं इसको स्ट्रॉन्गली। Over where am I scared, where am I at? I gotta make it in this life. Whatever makes me happy, know I'm doing things right. Sipping in the summer on a goose and sprite. Or find a nightclub for the end of the night, oh. And we all got dreams, we all want things. But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? Okay, so भाई शख्स भी हो चुका है एंड पूरा का पूरा वर्कआउट बहुत अच्छा गया, काफ़ी अच्छा वॉल्यूम भी था, फॉर्म भी बहुत सही था, आज मज़ा आया वर्कआउट में। अभी आ रहा है ट्रैक पे, वापस आ रहा है, जैसे मैं सोच रहा था कि ट्रैक पे वापस कब से आएगा, तो ट्रैक पे वापस आने लग गया है वर्कआउट कस्टम से, अब मज़ा आ रहा है वर्कआउट का, धीरे धीरे फ्लो और अच्छा होता जाएगा और जैसे जैसे फ्लो बढ़ता जाएगा टाइम भी कम हो जाएगा। अभी टाइम ज़्यादा ले रहे हैं हम लोग, ऑलमोस्ट 3 घंटे हो जाते हैं वर्कआउट करते करते, लेकिन अभी इसको कैसे करके 2 घंटे तक रिड्यूस करना है। And I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, तो जिम से तो आ चुके थे और शार वगैरह ले लिया है एंड अभी ले रहे हैं अपनी लास्ट मील, जो कि है भाई ये पनीर, इसमें है 250 ग्राम पनीर एंड ये स्प्राउट सैलेड। सो ये ले रहे हैं अभी और इसके खाने के बाद आपसे करनी है बहुत सारी बातें कुछ चीज़ों को लेके। सो कुछ चीज़ें हैं जो कि बोलनी हैं और कुछ चीज़ें हैं जो आपसे पूछनी है।
सो खाने के बाद मैं आपसे बात करता हूँ। सो भाई डिनर हो चुका है और अभी करते हैं बात जो आपसे करनी है। सो बात कुछ ऐसी है कि व्लॉगिंग में मजा बहुत आ रहा है, जो अभी लाइफ चल रही है उसमें मजा बहुत आ रहा है। देखो सुबह सुबह काम पे जाओ, उसके बाद आओ, रेडी हो, खाना खाओ, डाइट लो, मील लो, सब कुछ अच्छा चल रहा है, जिम जाओ, कॉन्टेंट भी बहुत सही निकल रहा है, लाइफ स्टाइल भी सही चल रहा है, लेकिन इसमें मजा उतना नहीं आ रहा है यार। पहले हम लोग कितना मतलब ऐसा एडवेंचर करते थे, चैलेंजेस लेते थे, तो ऐसे ही चैलेंजेस हमें और चाहिए, लेकिन जो हम लोग अभी कर रहे हैं इसके साथ में चैलेंजेस चाहिए कि ये भी ना छूटे और हम लोग चैलेंज भी लें तो वो भी कंप्लीट हो पाए। तो ऐसे चैलेंजेस अगर आपके दिमाग में कुछ आते हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताओ, क्योंकि मैं हर व्लॉग में बोलता हूं कि आप लोगों का ओपिनियन भी बहुत मैटर करता है भाई। तो बताओ ये चीज हमको कमेंट सेक्शन में, मुझे भी बताओ और आदित्य को भी बताओ, क्योंकि बहुत जरूरी है आपके ओपिनियन, और हम लोग भी कुछ सोच रहे हैं और हो सकता है आप लोग हमें अपने ओपिनियन दो, अपने सजेशन दो, और हम लोग जो सोच रहे हैं वो हम लोग कॉम्बाइन करके बहुत अच्छी चीज बना पाए। तो आप भी सोचो मेरे लिए, मैं भी सोचता हूँ हम सबके लिए, और कुछ ऐसा कंटेंट बनाते हैं जो कि भाई वैल्यू प्रोवाइड करे लोगों को। अभी व्लॉग से भी मैं बहुत लोगों को मोटिवेट करने का ट्राई कर रहा हूँ, देखो लोगों को फिटनेस का ज्ञान देने का ट्राई कर रहा हूँ और आगे करते भी जाऊँगा, इसका लेवल मैं बढ़ाते जाऊँगा धीरे धीरे कि आपको और फिटनेस के लिए क्या क्या करना है। अभी मैं सिर्फ पेस बना रहा हूँ कि भाई हाँ एक रनिंग रूटीन हो जाए हमारा, उसके बाद मैं सारी चीज़ें बताऊंगा, डाइट से लेके वर्कआउट से लेके एवरीथिंग, सारे प्लान्स आपको मैं शेयर करूंगा। और ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ जिम के वीडियो ही बनाऊंगा, जो लोग जिम नहीं जा सकते उनके लिए भी मैं होम वर्कआउट बनाऊंगा, बीच वर्कआउट के वीडियोज़ बनाऊंगा, तो आउटडोर एक्टिविटीज़ के भी बहुत सारी चीज़ें आएंगी। और अभी डाइट को लेके एक चेंज करें, सुबह आप देख रहे होगे कि हम लोग क्या खा रहे हैं, ओट मील और उसमें एक स्कूप प्रोटीन, लेकिन आज मैं बना रहा हूँ ओवरनाइट ओट्स। सो आओ आप सबके साथ मैं बनाता हूँ, और ये ओवरनाइट ओट्स कैसा बनता है वो आप कल के व्लॉग में देखना सुबह सुबह। तो मैं बनाना स्टार्ट करता हूँ, सारी चीज़ें मैंने रख ली है प्लेटफॉर्म पे, तो आप देखते रहो कैसे बनाता हूँ, मैं बोलते रहूँगा तो आप लोग सुनते रहना बस। सबसे पहले ओट्स लेते हैं 1 स्कूप एंड 2, फिर इसमें थोड़ा सा करते हैं पानी ऐड, 1 स्कूप वे प्रोटीन, फिर डालते हैं इसमें ब्लैक रेसिन्स, धो के रखी थी मैंने तो बोला मैं भाई धोई नहीं, फिर उसके बाद ये 200 ml मिल्क को करना है मिक्स अच्छे से, और मिक्स हो जाए ये सही से तो इसको लेना है, उठाना है ऐसे और इसको रख देते हैं फ्रिज के अंदर। बन गया ओवरनाइट ओट्स, इसमें आप ब्लैक कॉफी वगैरह भी ऐड कर सकते हो, पीनट बटर भी ऐड कर सकते हो, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया, और इसका जैसा भी टेस्ट रहता है मैं सुबह बताता हूँ आपको, कल का व्लॉग देखो आप तो आपको देखने के लिए मिल जाएगा सुबह सुबह। अभी मैं बाहर जाके करता हूँ व्लॉग को एंड, आज का दिन भी हो चुका है खत्म। सो ये व्लॉग भी मैं कर रहा हूँ यहीं पे एंड, मिलता हूँ आपसे मैं कल के व्लॉग में, तब तक अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो कर दो लाइक, बाय।